आज हम आपको इंद्री विधानसभा लेकर चलते हैं। आपको बता दें यहाँ से बीजेपी विधायक करणदेव कंबोज हैं, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, जिनके कंधों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी है। ये अश्वनी चोपड़ा का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। कहने को तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि धान और गेहूँ की खेती यहाँ पर मुख्य रूप से होती है। यहाँ की धरती इन दोनों खेतियों के लिए बेहद उपजाऊ है। तो आज चलते हैं इस क्षेत्र में और किसानों के हालात पर चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार ने इस क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा का विकास हो इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से ही दिया था, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ही इस नारे पर अमल नहीं कर पा रही है। करनाल के इंद्री विधानसभा का रियलिटी चेक करने पहुंची हमारी टीम को पता चला कि यहां लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। को एजुकेशन का एक कॉलेज है, लेकिन वो भी बस स्टैंड से काफी दूर है। एक तो को एजुकेशन होने से और दूसरे दूर होने की वजह से कई लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। क्षेत्र के सांसद और विधायक से कई बार एक गर्ल्स कॉलेज की गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। है ये कॉलेज एक तो है, बहुत दूर है बस स्टैंड से, तो आने जाने की दिक्कत बहुत होती है। यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्यों ये नहीं एक किलोमीटर है वो भी चल जाते, बहुत दूर है यहाँ से बस स्टैंड आने के लिए, बहुत आधा घंटा तो पूरा है। तो लड़कों के लिए तो कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि वो लिफ्ट लेके आ सकते हैं, पर लड़कियों को बहुत ज़रूरी है, अभी एक अलग कॉलेज होना चाहिए। माँ बाप भी नहीं भेजना चाहते? बिल्कुल भी नहीं, वो सोचते हैं कि मैं ग्राउंड से हूँ, तो वो कहते हैं कि हम अपने लड़कियों को वहाँ भेजें, सिर्फ लड़कियों का ही कॉलेज हो, क्योंकि लड़कों के साथ में पढ़ना पसंद नहीं करते, इससे हमारी पढ़ाई भी रुक जाती है। लड़कियों के लिए कॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी एक गाँव से हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कॉलेज में बहुत धक्के से आई हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मैं अपने गाँव से अब पहली लड़की आई हूँ जो कि बी ए कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे बहुत सारी लड़की आती हैं, जाट्स वगैरह बामन वगैरह बहुत सी लड़की आती हैं, तो मैं सिर्फ बीए कर सकती हूँ, क्योंकि आगे मेरा जो टॉपिक आगे मैं जो पढ़ना चाहती हूँ ना, वो एमए की प्रोफेसर लगना चाहती हूँ मैं पोल साइंस की। तो यहाँ पे सिर्फ एमए इंग्लिश है, एमए हिस्ट्री है, तो यहाँ पे एमए पोल साइंस तो है नहीं, तो इसके लिए या तो मुझे घर बैठना पड़ेगा, बाहर जो है वो भेज देनी है। हम ये कहते हैं कि हर एक नेता भी युवा है, युवा है, लेकिन युवा से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं कर रही है सरकार तो बिल्कुल भी। बेशक से हम 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन ये सोच है इस प्रकार की, तो जब ये सोच है तो होना चाहिए महाविद्यालय अलग, क्योंकि यहाँ एक को एजुकेशन है और आगे यहाँ जो पीजी है, पीजी में कुछ ऐसे कोर्स नहीं है जो लड़कियाँ करना चाहती हैं। इंद्री विधानसभा में किसान भी परेशान है। स्थिति ये है कि गन्ना किसानों की 30% की पेमेंट अभी भी रुकी हुई है। पेमेंट के लिए किसान शिकायतें करें भी तो किससे? सांसद जी तो नजर ही नहीं आते, ये आरोप हम नहीं खुद किसान लगा रहे हैं। हमारे यहाँ विशेषकर गन्ने में ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हमारा प्राइवेट मिल है पिकेडली एग्रो के नाम से, पिकेडली एग्रो शुगर मिल 200 के अंदर स्थित है, तो उसमें सबसे दिक्कत हमें पेमेंट की आती है, समय पर पेमेंट नहीं मिलती और समय पर गन्ने की पर्ची भी नहीं मिलती, तो उससे ज़्यादा हमें परेशानी होती है। 25-30% पेमेंट अभी रुका होगा किसानों का, लगभग 40-45 करोड़ रुपया अभी किसानों का बादशाह के अंदर बकाया है टिकट लेकर। एमपी साहब जब हमारे यहाँ से बन के गए थे उस टाइम शक्ल दिखाई थी, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई। अब हवाई जहाज से टिकट लेके आए थे, पैरा ट्रूपर बने थे यहाँ पर, और उसके बाद हवाई जहाज में उठ कर चले गए, उसके बाद शक्ल ही नहीं देखी हमने तो उसकी। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको जीरी वगैरह के दाम नहीं सही मिल रहे हैं, उधर से खाद तेल वगैरह महंगा है जी, उधर से ज़मीन के भी ठेके काफ़ी बड़े हुए हैं, ऊपर की बारिश की मार है, नीचे से सरकार की मार है, जिम्मेदार क्या करेगा? नमी के नाम पर धान के दामों में कटौती और बढ़ते डीजल के दाम, उस पर मिलों में फंसा गन्ने का पेमेंट, कहीं ना कहीं किसानों पर ये तहरी मार मार रहा है। जीएसटी लगने के बाद लोगों को लगा था कि ये वन टाइम टैक्स होगा, लेकिन राज्य सरकार आज भी सेस और मार्केट फीस के नाम पर 4% का एक्स्ट्रा टैक्स वसूल रही है। सरकार अगर इस एक्स्ट्रा टैक्स को ख़त्म कर देती है तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं किसानों को ही मिलेगा, जो कि किसानों को राहत की बड़ी बात होगी।